आदाब नाजरीन, खासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी साउथ ईस्ट जोन की मंथली मीटिंग आज बरोज इतवार 18 अगस्त 2024 को संजरी कन्वेंशन फंक्शन हॉल याकूतपुरा में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पीस कमेटी साउथ ईस्ट जोन के मशहूर व मारूफ और हार्ड वर्किंग डायनेमिक ख्वाजा गाजीउद्दीन प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट जोन ने पूरे पीस कमेटी के मेंबर्स को गुजरे हुए फेस्टिवल्स पर उनकी बेहतरीन खिदमात और अच्छा काम करने पर मुबारकबाद दी और तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया। और इसी तरह आने वाले मिलादुन्नबी और गणेश जुलूस में भी काम करने के लिए कहा और हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए अमन को कायम रखने के लिए कहा। पीस कमेटी के तमाम मेंबर्स ने हिंदू मुस्लिम मिलकर एक जहती का मुजाहरा किया और शहर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखा। ख्वाजा गाजीउद्दीन की सदारत में प्रमोद कुमार जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रिजवान जॉइंट सेक्रेटरी, सुभाष कुमार ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, अनवर हुसैन इंचार्ज पुलिस स्टेशन चादरघाट, मोहम्मद शोएब मुहियुद्दीन असिस्टेंट सेक्रेटरी सईदाबाद डिवीजन, अनीसुर रहमान ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी साउथ जोन, डॉक्टर मजरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी ईस्ट जोन, निशाद फातिमा, आसिया बेगम, रेशमा खानम, मुश्तबा आबिदी इंचार्ज डबीरपुरा पुलिस स्टेशन, ख्वाजा अली असिस्टेंट सेक्रेटरी, अब्दुल बशीर अहमद, मसरत फातिमा, करीमा बेगम, मलिका फातिमा, विजय राठी, जरीना बेगम, ख्वाजा वहीउद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रहमान, रहीमुद्दीन, हनुमंत राव, साई किशोर और कसीर तादाद में पीस कमेटी के मेंबर्स ने शरीक होकर मीटिंग को कामयाब किया। आखिर में ख्वाजा गाजीउद्दीन प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया और न्यूज़ चैनल मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की ये रिपोर्ट। खासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते हैं कि मिलादुन्नबी का महीना 5 सितंबर या 4 सितंबर के चांद के मुताबिक शुरू होने वाला है और गणेश चतुर्थी भी 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। 7 सितंबर से गणेश फेस्टिवल का त्यौहार शुरू होता है और वो 11 दिन मुकम्मिल होकर 17 सितंबर को जुलूस की शक्ल में बालापुर से लेकर टैंकमेंट तक गुजरता हुआ वहाँ पर टैंकमेंट पर निमज्जन होता है। हमको हमारी पीस कमेटी के मेंबर्स को हर साल गणेश फेस्टिवल के मौके पर बेहतरीन काम करते हुए देखा गया है और साउथ ईस्ट जोन की मीटिंग यहाँ पर कंजरी फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई है, जिसमें मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। देखा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर पुलिस स्टेशन वाइज, हर जोन वाइज, हर डिवीजन वाइज, हर जगह हैदराबाद शहर में मीटिंगें हो रही हैं, जिसकी मेन वजह तो हल्की सी इतला से हम भागते हुए आप तमाम के लिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत देने के लिए, बहुत बहुत बधाई मेहरबानी, और ये हमारी कामयाबी है। प्यारे भाई और बहनों, इस स्टेज पे मौजूद तमाम मेहरबानों का और ख़ास तौर से बावजूद नासाजी सेहत के बावजूद जनाब मजहर साहब मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों के हमारे साउथ ईस्ट जोन के सदर जनाब ख्वाजा गाजीउद्दीन साहब जो इस कश्ती को रवा दवा रखे हुए हैं, गुलाम सादिकुद्दीन साहब की वजह से आप लोग बाइज्जत शहरी कहलाए, एक अजीम तर नाम, एक अजीम तर सर्टिफिकेट अगर कोई देता है तो पुलिस डिपार्टमेंट देता है। फलक नुमा पीएस को हम हैंड ओवर करना, फलक नुमा वाले लेके शाली बढ़ने को करते, शाली बढ़ने वाले चालीमार को करते, ऐसा ये प्रोसेशन आगे बढ़ता है। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, हिस्ट्री है। स्टेज पे विराजमान बड़े लोग और सबको भी रंगा रेड्डी में आते, लेकिन चंद्रन गुटे से वो पास होता, वो क्या चंद्रन गुटे के पास हमारे साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी साहब और पुलिस ऑफिशियल और पूरे
जितने भी हमारे पीस कमेटी के बड़े खा जाए, जो हर किस्म के फूल इस गुलदस्ते में जुड़े हुए हैं। बिला मजा मिल्लत ये सेंट्रल पीस कमेटी एक अरसे दराज से काम करती आ रही है जनाब। एक्टिव मेंबर जिनकी छानपोछ भी और गुलपोछ भी हो रही है, मैं चाहूँगा कि इनको भी तमाम हम हिम्मत बढ़ाते हुए थोड़ी सी तालियां बजा दें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक छोटी सी तकलीफ कामयाबी की तरफ रवा दवा है और ये कामयाब होगी और आगे हम भी कामयाब होंगे। इसको जो है आप अपने साथ से अपने सहयोग से कामयाब बनाने में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी का साथ दें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं और इज्जत देना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी इज्जत और शादमानी अता करे। शाहपोशी करना चाहते हैं जनाब डॉक्टर मदर साहब, बावजूद खराबी सेहत के वो हमारे